नमस्कार बच्चों, मैं मुकेश शर्मा, लेक्चरर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर। आज अपन अध्ययन करेंगे पोल्यूशन के बारे में। अपना यूनिट नंबर 7 है पोल्यूशन के बारे में। पोल्यूशन से का अध्ययन करने से पहले अपन इन पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। पर्यावरण का मतलब होता है परि प्लस आवरण, यानी कि अपने चारों ओर, किसी भी बिंदु के चारों ओर जो आवरण होता है, चाहे वो बायोटिक हो या नॉन बायोटिक हो, वो क्या कहलाता है, उसका पर्यावरण। और पर्यावरण में दो प्रकार के घटक होते हैं, एक तो बायोटिक कंपोनेंट होता है, फर्स्ट बायोटिक कंपोनेंट, और दूसरा एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में अपने जीव जंतु, वनस्पति और जितने माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो आते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट में अपना आता है जल, वायु, आर्द्रता, ताप, मृदीय कारक, यानी कि जो अपना लिक्विड होता है, जो एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट, दो कंपोनेंट होते हैं। अब अपन बात करेंगे पोल्यूशन की डेफिनेशन की। पोल्यूशन होता क्या है एक्चुअली में? पोल्यूशन, प्रदूषण की बात करेंगे। प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वायु, भूमि मनुष्य की मूल आवश्यकताएं हैं, अतः प्रकृति में कोई अवांछनीय परिवर्तन जो संपूर्ण जीव जगत के लिए हानिकारक हो, वो प्रदूषण कहलाता है। सबसे महान बात है अवांछनीय परिवर्तन, किसी प्रकार का जो नेचुरल अपना कंपोजिशन है किसी भी चीज़ का, उसमें किसी प्रकार का कोई अवांछनीय परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाता है, प्रदूषण कहलाता है। यह इसकी सेकेंड डेफिनेशन ये कह सकते हैं कि मानव के क्रियाकलापों से उत्पन्न अपशिष्ट उत्पादों के रूप में पदार्थ तथा ऊर्जा के निष्कासन से प्राकृतिक पर्यावरण में होने वाली अवांछित या हानिकारक प्रभाव, अवांछित या हानिकारक प्रभाव को प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन है कि जो भी अपना नेचुरल कंपोजिशन होता है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन क्या कहलाता है, पोल्यूशन कहलाता है। अब पोल्यूशन जिनके कारण होता है, ऐसे पदार्थ जो प्रदूषण फैलाते हैं या फिर ऐसे कारक जिनके कारण प्रदूषण उत्पन्न होता है, प्रदूषक कहलाते हैं, पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। पोल्यूटेंट्स दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट के अंतर्गत अपन अध्ययन करते हैं वे प्रदूषक जो निर्माण के बाद पर्यावरण में प्रवेश करते हैं तथा उसी रूप में बने रहते हैं, प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे अपना नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स की बात करेंगे तो वे हानिकारक पदार्थ जो प्राथमिक प्रदूषक के मध्य रासायनिक क्रिया द्वारा वायुमंडल तथा जलमंडल में बनते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। जैसे अपन बात करें नाइट्रिक एसिड की, H2SO4 की, और अपना कार्बोनिक एसिड की, H2CO3 की, ये अपने सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है। ये हमारे प्राइमरी पोल्यूटेंट, प्राइमरी पोल्यूटेंट ये डायरेक्ट एनवायरनमेंट में ऐड होते हैं, और ये जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं इनके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। अब आगे बात करेंगे टाइप ऑफ पोल्यूशंस। टाइप ऑफ पोल्यूशन क्या है, अपने एनवायरनमेंट में जो जो कंपोनेंट है उसके आधार पर अपन पोल्यूशन की बात करेंगे। जैसे जल में किसी प्रकार का कोई पोल्यूशन होता है तो उसको कहेंगे वाटर पोल्यूशन, एयर में किसी प्रकार का कंपोजिशन में चेंज होता है तो उसको कहेंगे अपन एयर पोल्यूशन, ध्वनि में अपनी जो लिमिट है उससे ज़्यादा अगर कोई एक्स्ट्रा या फिर कम होता है तो उसको बोलते हैं नॉइस पोल्यूशन, मृदा की जो सोइल फर्टिलिटी है वो अगर किसी प्रकार से इफेक्टेड होती है तो उसको बोलते हैं अपन सोइल पोल्यूशन, रेडियोधर्मी प्रदूषण और ऊष्मा प्रदूषण, थर्मल प्रदूषण। तो अपने सिलेबस में अपने दो जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण है, इनके कैसे होते हैं, इनसे क्या क्या हानियां हैं और इनको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे अपन। अब बात करते हैं अपन जल प्रदूषण की। जल प्रदूषण की बात इसलिए करते हैं क्योंकि जीवों के शरीर का संपूर्ण भार का लगभग 2/3, लगभग 66% भाग होता है वो जल का ही होता है। मानव के रक्त में 79% और मस्तिष्क में 80% जल होता है। प्राकृतिक जल में किसी भी अवांछनीय बाह्य पदार्थ की उपस्थिति जिससे जल की गुणवत्ता, मेन बात है गुणवत्ता में कमी आती है, जल प्रदूषण कहलाता है। या फिर अपन कहते हैं जल के भौतिक एवं रासायनिक गुणों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होना जल प्रदूषण कहलाता है। जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जब जल की, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज होता है तो जल प्रदूषण कहलाता है, वाटर पोल्यूशन कहलाता है। जल के निम्नलिखित गुणों को देखकर पता किया जा सकता है कि जल शुद्ध है अथवा प्रदूषित है। वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनसे अपन आइडेंटिफाई करेंगे कि जो अपने पास वाटर वो प्योर है या
इम्प्योर है, प्रदूषित है। सबसे पहले अपन टेस्ट की बात करेंगे। जो प्योर वाटर होता है वो टेस्टलेस होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं होता। तो अगर वो प्रदूषित होगा तो किसी ने या तो किसी न किसी टेस्ट का होगा। हार्डनेस, प्योर वाटर की हार्डनेस जो अपना प्योर वाटर की हार्डनेस एक लिमिट में होती है, अगर लिमिट से ज़्यादा हार्डनेस होती तो वो प्रदूषण कहलाएगा। कलर, प्योर वाटर का कोई कलर नहीं होता। एल्केलिनिटी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, गंध, गंदलापन, घुलित गैसें व सोलिड अवयव, ये कुछ पैरामीटर्स है जिनकी सहायता से अपन दिए गए वाटर की अपन पता लगाते हैं कि ये प्रदूषित जल है या शुद्ध जल है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि जल प्रदूषण के कारण क्या क्या कॉजेज, क्या क्या कारण है। जल प्रदूषण निम्न जल प्रदूषकों के माध्यम से होता है। कि जल प्रदूषण के कारण, कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, तो अपन जल प्रदूषण की बात करेंगे। जल प्रदूषण निम्न जल प्रदूषकों के माध्यम से होता है। पहला ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, बायोटिक पॉल्यूटेंट्स, तलछट पॉल्यूटेंट्स, रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स और थर्मल पॉल्यूटेंट्स, ये अलग अलग प्रकार के हैं। इनका सबका अपन इंडिविजुअल अध्ययन करेंगे आगे। सबसे पहला अपना कार्बनिक प्रदूषक, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। इस समूह में मुख्यतः संश्लेषित कार्बनिक यौगिक, उर्वरक, संश्लेषित अपमार्जक तथा तेल आदि को सम्मिलित किया जाता है। ये प्रदूषक घरेलू सीवेज, पादप पोषक तत्व, तेल, कागज व चमड़े के कारखानों से निकलने वाले पदार्थ हैं। ये पदार्थ जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देते हैं, जिससे जलीय जीवन, जो कि जलीय जीवन के लिए आवश्यक होती है। मैंने ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स करते क्या कि जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसकी मात्रा को कम कर देते हैं, जो कि जलीय जीवों के लिए आवश्यक होती है। तथा कुछ ये ऑर्गेनिक पदार्थ वाटर सरफेस पे एक लेयर बना लेते हैं, जिससे क्या होता है कि जलीय जो जंतु है या प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया उनकी कंप्लीट नहीं हो पाती। इसके बाद अपन बात करते हैं इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स में बात करेंगे अपन इनऑर्गेनिक, सेकेंड अपना अकार्बनिक प्रदूषक। इसके अंतर्गत पेपर पल्प, स्टील, आयरन व अन्य औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले अम्ल, खनिज लवण, ऑक्साइड, सल्फाइड इत्यादि आते हैं, जो जल की कठोरता व क्षारीयता को बढ़ाते हैं, जिससे जलीय जीवन नष्ट होने लगता है। जो एक्चुअली में जो इंडस्ट्री से जितना भी वेस्ट मटेरियल या वेस्ट निकल रहा है वो जल में जाकर उसकी हार्डनेस और उसकी बेसिसिटी को बढ़ाता है, जिससे क्या होता है कि जो एक्वेटिक जो जीव जंतु है, जलीय जो जीव जंतु, उनका बायोलॉजिकल साइकिल चेंज होता है, उससे वो धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। तीसरा है अपना बायोटिक पोल्यूटेंट्स। बायोटिक पोल्यूटेंट्स की मैं बात करेंगे, जल में जैविक प्रदूषक घरेलू सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट, पादप व जीव जंतु अपशिष्ट पदार्थों के द्वारा आते हैं। मानवीय क्रियाओं के कारण जल में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है। इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण जल में यूट्रोफिकेशन की समस्या उत्पन्न होती है। अब यूट्रोफिकेशन होता क्या है कि जैसे ही जल में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा बढ़ती है तो वहाँ पे जो जल में जो एल्गी वो अचानक ग्रोथ करती है, एल्गल विस्फोट होता है, एल्गल ब्लूम जिसको बोलते हैं, वो एक साथ बढ़ता है। तो उसका एल्गल ब्लूम बढ़ने के कारण क्या होता है कि जल में डिजोल्व ऑक्सीजन है वो एल्गी यूज करेगी उसको। अब वो एल्गी उस डिजोल्व ऑक्सीजन को यूज करेगी तो वहाँ पे जल में जो दूसरे जीव जंतु हैं उनके लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं होने के कारण वो धीरे धीरे मरने लगते हैं और वाटर को, जल को प्रदूषित करने लगते हैं। चौथा अपना तलछट प्रदूषक, सेडिमेंशन प्रदूषक। तलछट प्रदूषक, सेडिमेंशन पोल्यूटेंट्स। मृदा अपरदन के कारण जल के स्रोतों में ठोस पदार्थों की मात्रा अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण जो वहाँ पे उपस्थित जीव जंतुओं की जो लाइफ साइकिल वो डिस्टर्ब होती है। पांचवा अपना थर्मल पोल्यूटेंट्स, तापीय प्रदूषक। तापीय प्रदूषक में अपन बात करेंगे, नाभिकीय व थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाली अपशिष्ट ऊष्मा इस प्रकार के प्रदूषक होते हैं। इसके कारण जल का तापमान बढ़ जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो पावर प्लांट्स होते हैं, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और जो अपने थर्मल पावर प्लांट्स हैं, वहाँ से जो अपशिष्ट हीट निकलती है या फिर गर्म पानी जो निकलता है वो नदी या तालाबों में छोड़ा जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो जल का जो टेम्परेचर वो बढ़ जाता है, जिससे जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। विलेय ऑक्सीजन की मात्रा, ये जितने भी अपन ने पोल्यूटेंट्स पर इनडायरेक्टली करके आ करें, जल में जो डिजोल्व ऑक्सीजन की जो मात्रा है उसको, क्वांटिटी उसको कम कर देते हैं। कम करने से क्या होता है कि जो जलीय जीव जंतुओं का लाइफ साइकिल डिस्टर्ब होती है और वहाँ पे वो धीरे धीरे मरने लगते हैं, तो वाटर पोल्यूशन जनरेट होता है। नेक्स्ट है रेडियोधर्मी प्रदूषक, रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स।
इस प्रकार के प्रदूषक प्रकृति में मानवीय दोनों स्रोतों के कारण जल में आ जाते हैं। रेडियोधर्मी आयस्कों का खनन तथा नाभि के ऊर्जा संयंत्र चिकित्सा में रेडियोधर्मी पदार्थों के प्रयोग से नाभि के परीक्षण से जल स्रोत प्रदूषित होते हैं। अब अपन बात करेंगे जल प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव कि कौन कौन से हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। जल विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों की उपस्थिति के कारण उत्पन्न जल प्रदूषण से निम्न हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले जल के गुणों पर प्रभाव, इफेक्ट्स ऑन वाटर पैरामीटर्स। जल के गुणों पर प्रभाव, इफेक्ट्स ऑन वाटर क्वालिटी। जल प्रदूषण के कारण जल गंदा, बदबूदार व रंगीन हो जाता है। जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। जल विषैला होने के कारण पीने योग्य नहीं रहता। अत्यधिक रसायन उपस्थित होने के कारण पानी कड़वा हो जाता है। एक्चुअली में जल के जो सबसे वाटर पोल्यूशन हो ही इसलिए कि जल के प्रॉपर्टीज और डिस्टर्ब हो रही है पोल्यूटेंट्स के कारण। तो जल की जो प्रॉपर्टीज डिस्टर्ब हो रही है, जैसे जल का गंदा हो जाना, बदबूदार होना, रंगीन होना, डिजोल्व ऑक्सीजन की कमी हो जाना, तो ये कई प्रकार के पैरामीटर्स जो चेंज हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपन जल प्रदूषण का जलचरों व वनस्पतियों पर प्रभाव। जल प्रदूषण के कारण जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण जल में उपस्थित जीव जंतु मरने लगते हैं। जल में उपस्थित फॉस्फेट और नाइट्रेट के कारण शैवाल की वृद्धि होती है, जैसा कि अपन ने पीछे पढ़ा था यूट्रोफिकेशन, जिससे सूर्य का प्रकाश अंदर तक नहीं पहुंच पाता, जिससे अनेक प्रकार के अनुपयोगी वनस्पतियों का विकास होता है। सूर्य का प्रकाश अंदर तक नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण जिनको जो फोटोसिंथेसिस, जो वहाँ पे वाटर प्लांट्स है जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, वो तो बना नहीं पाते। उसके अलावा जो अवांछनीय अनुपयोगी वनस्पतियाँ वहाँ डेवलप हो जाती हैं। नेक्स्ट पे मानव व मवेशी पर क्या प्रभाव होगा, इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन एंड कैटल्स। प्रदूषित जल न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता, परंतु विभिन्न प्रकार के रोग भी उत्पन्न कर देता है। जब मनुष्य अथवा मवेशी प्रदूषित जल को पीते हैं, तो उसमें उपस्थित जीवाणुओं से हेजा, डायरिया, पीलिया, एपिस नामक रोग हो जाते हैं। जल में मैग्नीशियम व सल्फेट की अधिकता से आंतों में जलन उत्पन्न होती है। नाइट्रेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वाटर पॉल्यूशन की, जो आजकल बहुत देखने को मिल रहा है। नाइट्रेट से बच्चों में ब्लू बेबीज तथा वयस्कों में कैंसर जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। आजकल बहुत देखने को मिल रहा है वाटर पॉल्यूशन के कारण कैंसर और ये ऐसी खतरनाक बीमारियां हो रही। औद्योगिक ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वाटर डिस्चार्ज। औद्योगिक वाहित जल का उपचार। औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले जल में कई प्रकार के प्रदूषक होते हैं, जिन्हें उपचार द्वारा अपशिष्ट जल का प्रयोग लेने योग्य बनाया जाता है। इस प्रकार के उपचार में अशुद्ध जल में विभिन्न चरणों में शुद्ध किया जाता है। सबसे पहला चरण है उसको बोलते हैं अपन प्राइमरी ट्रीटमेंट या प्राथमिक उपचार। इस चरण में प्रदूषित जल में अघुलनशील अशुद्धियों को निम्नलिखित प्रक्रियाओं द्वारा, सबसे इंपॉर्टेंट है अघुलनशील जो उसमें डिजोल्व नहीं होती, उसमें उसको दूर करने के लिए निम्न विधियों का उपयोग में लिया जाता है। पहला छानकर स्क्रीनिंग, इससे विभिन्न प्रकार की जलीय, इसमें विभिन्न प्रकार की जालियों से छानकर अपेक्षाकृत अधिक व बड़े आकार के ठोस कचरे को पृथक किया जाता है। लकड़ी, कपड़ा, कागज, पत्तियां, टहनियां इत्यादि जो भी छनने योग्य होती है, उनको छानकर पृथक कर लिया जाता है। छानने के बाद जल को ग्रिट होज में भेजा जाता है, जहाँ होज के पेंदे में मिट्टी, कंकड़, पत्थर, टुकड़े आदि बैठते रहते हैं तथा ऊपर से जल प्रवाह कर निरंतर आगे होता है। समय समय पर ग्रिट होज के पेंदे से मिट्टी निकालकर सफाई की जाती है। तो सबसे पहले जो डिजोल्व नहीं होती है उनको इनको छान कर अलग किया जाता है। सेकेंड स्टेप है इसका स्किमिंग। स्किमिंग में क्या होता है, स्किमिंग में जल में उपस्थित तेलीय अशुद्धियों को, सबसे इंपॉर्टेंट बात है तेलीय अशुद्धियों को यहाँ दूर किया जाता है। जो नॉन डिजोल्व इम्प्योरिटीज है, जो डिजोल्व नहीं हो रही, उसको स्क्रीनिंग द्वारा दूर किया जाता है। तेलीय अशुद्धियों को दूर किया जाता है। ग्रिट होज से जल को स्किमिंग होज में भेजा जाता है, जहाँ जल में उपस्थित तेलीय पदार्थ ऊपरी सतह पर आ जाते हैं, जिन्हें नितार कर पृथक कर लिया जाता है। तीसरा मेथड है अवसाधन सेडिमेंशन। सेडिमेंशन में सबसे पहला तो छानना, दूसरा मेथड था अपना स्किमिंग, और तीसरा अपना अवसाधन। अवसाधन में क्या होता है, अवसाधन प्रक्रिया में
एक बड़ा अवसाधन टैंक को लिया जाता है। इस टैंक को कई दिन तक स्थिर रखकर गुरुत्वाकर्षण द्वारा, सबसे बात इंपॉर्टेंट बात है, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जल में उपस्थित छोटे छोटे कण, ठोस कण जो छान कर पृथक नहीं हुए हैं उन्हें पृथक किया जाता है। पैंदे में एकत्रित स्लज को 37 पाइप द्वारा पृथक कर लिया जाता है तथा सुखाकर भूमि पर डाल दिया जाता है, जबकि जल को द्वितीय सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए स्कंदन टैंक में भेजा जाता है। यहाँ तक तो अपना प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होगा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट टोटली अपना केमिकल ट्रीटमेंट होता है। प्राथमिक उपचार के उपरांत शेष रहे निलंबित कणों को, निलंबित कण इतने हल्के होते हैं कि साधारण अवसाधन द्वारा वो पृथक नहीं किए हो पाते हैं। इन्हें पृथक करने के लिए जल का स्कंदन किया जाता है, से कोगुलेशन किया जाता है। कोगुलेशन में केमिकल्स का उपयोग किया जाता है, मोस्टली अपन एलम का उपयोग करते हैं। जल में उपस्थित हल्की अत्यंत सूक्ष्म निलंबित छोटे कण, छोटे रेसे जैसी अशुद्धियों को पृथक, अशुद्धियाँ होते हैं जिनको पृथक करने के लिए स्कंदन प्रक्रिया काम में ली जाती है। जल में फिटकरी, फिटकरी का फॉर्मूला होता है K2SO4.Al2SO4.24H2O और बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा फेरस सल्फेट PSO4 मिलाया जाता है। इन पदार्थों के जल अपघटन से मुक्त धनायन सूक्ष्म निलंबित कणों को पेंदे में बिठाकर जल से शोधित कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप है इसका क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण का उपयोग किया, क्लोरीनीकरण का स्टेप में जो जितने भी माइक्रोब्स हैं उनको खत्म करने के लिए यूज लिया जाता है। उपयुक्त पदों से गुजरने के बाद जल में अघुलनशील अशुद्धियां लगभग नगण्य रह जाती है। अब जल को पीने योग्य बनाने के लिए उपस्थित बैक्टीरिया, मैंने कहा था बैक्टीरिया और माइक्रोब्स जितने भी हैं वहाँ क्लोरीनेशन से इसको दूर किया जाता है। क्लोरीन का पृथक्करण आवश्यक है। जल को कीटाणु रहित करने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया को निर्जलीकरण कहा जाता है। क्लोरीन गैस द्वारा जल का निर्जलीकरण निम्न प्रकार होता है। जैसे ही अपन जल में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते तो जल से क्रिया करके हाइपोक्लोरस अम्ल बनाती है। अब यह हाइपोक्लोरस अम्ल आगे HCl और नेसेंट ऑक्सीजन में टूट जाता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन माइक्रोब्स को ऑक्सीडेशन के द्वारा खत्म करती है, ऑक्सीकरण के द्वारा। परमाणु ऑक्सीजन एक कोशिकीय जीवों को ऑक्सीकरण करके उन्हें नष्ट कर देती है। क्लोरीन के स्थान पर ब्लीचिंग पाउडर का भी प्रयोग किया जा सकता है। अगर क्लोरीन के स्थान पर ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग लेंगे तो उसकी रिएक्शन इस प्रकार होगी CaOCl2+H2O, तो वही रिएक्शन होगी। पहले बनेगा CO कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन 2। ये यहाँ पे, अब यहाँ पे जो वो ऊपर दो रिएक्शन हो रही थी सेम रिएक्शन है, क्लोरीन प्लस H2O अपना बनेगा HCl प्लस HOCl। अब ये HOCl आगे टूटेगा HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में, सेम उसी प्रकार नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ बनेगी। ये नेसेंट ऑक्सीजन नवजात ऑक्सीजन बैक्टीरिया और जो माइक्रोब्स है जिनको उनको ऑक्सीडेशन के द्वारा वो खत्म करेगी। क्लोरीन अथवा ब्लीचिंग पाउडर की निर्धारित मात्रा का लगभग 30 मिनट तक जल के साथ संपर्क निर्जलीकरण प्रक्रिया प्रभावी ढंग से करता है। क्लोरीन की अधिक मात्रा जल के स्वाद को खराब कर देती है। ब्लीचिंग पाउडर जल में कैल्शियम की मात्रा में, यानी कि ये नहीं है कि अगर ये माइक्रोब्स को खत्म कर गए तो अपन ज़्यादा यूज लिए, तो ज़्यादा यूज भी नहीं ले सकते, एक लिमिट में यूज लिया जाता है। नेक्स्ट मेथड अपना, तीसरा मेथड अपना जैविक विधि, बायोलॉजिकल मेथड। जल में घुले कोलाइडी कार्बन पदार्थ बैक्टीरिया द्वारा दूर किए जाते हैं। ये एक कोशिकीय जीव दो प्रकार के होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है वाईवी और दूसरा होते हैं एवाईवी, एरोबिक और एनारोबिक। इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में सूक्ष्म जीव पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। उनका CO2 में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन कार्बनिक पदार्थों में को अमोनिया में परिवर्तित कर देते हैं। अगर जो अपने कार्बन युक्त है तो वो CO2 में कन्वर्ट कर देंगे और नाइट्रोजन युक्त है तो अमोनिया में कर देंगे। कार्बनिक पदार्थ ऑक्सीजन और अपने एरोबिक जो बैक्टीरियाज होते हैं उनका उपयोग करते हैं। इसमें एरोबिक बैक्टीरिया कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, अगर कार्बन है तो ऑक्सीजन H2 बनेगा और नाइट्रोजन है तो नाइट्रेट और अमोनिया बनेगा। वायवीय विधि में मुख्यतः ट्रिकलिंग फिल्टर का काम में लिया जाता है। इसके द्वारा अपघटित जल, अपशिष्ट जल की BOD 80-85% तक कम की जा सकती है। BOD का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड उसमें कितने बैक्टीरिया है उससे अपन यहाँ से इससे निकालते हैं। ये बाई BOD के बारे में अपन ने जल वाले चैप्टर में अच्छे से अध्ययन किया था। अब सेकेंड टाइप के बैक्टीरिया होते हैं AYVA बैक्टीरिया। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बैक्टीरिया द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक यौगिकों में तथा CO2 व CH4 में बदल देते हैं। AYVA सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए एनारोबिक
डाइजेस्टर काम में लिया जाता है। अब प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया, सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो गया। सेकेंडरी ट्रीटमेंट मोस्टली केमिकल ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद आता है अपना तृतीयक उपचार, टर्शियरी ट्रीटमेंट। तृतीयक उपचार में जल में घुलनशील अशुद्धियों को पृथक किया जाता है, जो कि प्राथमिक और द्वितीय उपचार के बाद शेष रह जाती है। यानी कि प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट से जो अशुद्धियाँ रह गई वो अपने तीसरे स्टेज में पृथक की जाती हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण फॉस्फोरस एवं नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं। इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर एल्युमिनियम सल्फेट या आयरन क्लोराइड जैसे स्कंदनकारी केमिकल्स का उपयोग किया जाता है। फॉस्फोरस का अवक्षेपण केमिकल्स का उपयोग कर फॉस्फोरस का अवक्षेपण करके इनके अतिरिक्त कुछ अन्य पदार्थ हो सकते हैं, जो अन्य पदार्थ जो जल के स्वाद व गंध को प्रभावित कर रहे हों उन्हें निर्धारित माध्यम से गुजार कर, जिनमें सक्रिय चारकोल भी है, पृथक किया जाता है। इस प्रकार जल की सुरक्षित व पुनः उपयोग किया जाए इस प्रकार जल का सुरक्षित पुनः उपयोग किया जा सकता है। धन्यवाद। इसके बाद अपना इस चैप्टर में अपना आता है वायु प्रदूषण, वो नेक्स्ट वीडियो में अपन कंटिन्यू करेंगे।